देखो ये तो हो गए मुद्दे, पर इनका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मुझे मेरा देश ऐसे नहीं रखना ना। हमने दूसरी देश के कंट्री से लॉ चुराए हैं, तो ढंग के लॉ चुराता ना। ये कैसा लॉ होगा कि देश में एक्सीडेंट होते हैं तो व्हीकल्स की लाइट अब दिन में भी चलेगी? फिर चुराया फार्मर बिल, जिसके तो हालात आपको पता ही है। देखो दूसरी कंट्री के लॉ ला रहे हो तो कोई ढंग के लॉ लाओ ना, जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया, सेफ्टी मेजर्स हो गए, बट नहीं, हम क्या चुराया? बत्ती अब दिन में भी चलेगी। देखो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, पर हम तो कुछ कर सकते हैं ना। पेरेंट्स आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को गुप्त रोग या सेक्स एजुकेशन देनी होगी, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बच्चे को कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने उसकी टट्टी से लेकर भैंकती नाक तक साफ की है। सबको पता है देश में कि गंद नहीं फैलाना, अब तो डस्टबिन भी लग गया है, तो उसमें कूड़ा डालो ना, पर तब भी कूड़ा सड़क पर ही मिलता है। और पान की पीक की कला अभी भी दीवारों पे दिखती है, पर किसी को फर्क ही नहीं है। हमारे देश में अल्कोहल और टोबैको इजीली ले सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं, पर जो गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है सैनिटरी पैड्स और लड़कों के लिए कॉन्डम लेना इतना गुप्त क्यों है? और हाँ, जिनको तुम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो, जो तुम्हें कपड़े पहनना, अच्छे मेकअप करना या एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना तो सिखा देते हैं, पर कभी भी सही बात पे स्टैंड लेना क्यों नहीं सिखाते? किसी सही बात को डिस्कस करना क्यों नहीं सिखाते? क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसके लायक नहीं है। देखो अब जो कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे वाला तो ऐसा ही, मेरे वाला तो ऐसा नहीं है, मेरे वाला तो करता है, तो अभी तो पूरा देश जाग रखा है, अभी तो वो सब बोलेंगे, पर पहले कहाँ थे? मेरी तुम पहली वीडियो उठा के देख लो, मैं स्टार्टिंग ऑफ द चैनल से मैं हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, पर तब भी वो तो सोते रहते हैं। सीधे सा जवाब है, देश तुम्हारा भी है और मेरा भी है, बट फर्क जो है वो सिर्फ नजर का है। तुम देखते हो और पोचते हो कि ये कैसा देश है मेरा, मैं देख ढूंढता हूँ कि कैसा देश हो सकता है मेरा। आप अकेले भी अगर स्टैंड लोगे या खड़े हो गए तो देश में रेवोल्यूशन ला सकते हो। टाइम लगेगा बट जरूर होगा, चेंज आएगा। जैसे अब जादव पियंग जी हो गए, इनको क्या जरूरत थी देश में इतने पेड़ लगाने की? एक फुटबॉल ग्राउंड जितना पेड़ लगा के इनको क्या मिला? पर अब ये ध्यान भी उन पेड़ों का खुद रखते हैं, और ये सिंगल हैंडेडली इन्होंने काम किया है। तो स्टैंड एंड टॉक अबाउट द चेंज जो हम ला सकते हैं। हमें ये देश में अब और ऐसे नहीं देखना, देश अब हमें और ऐसे नहीं देखना, और कोई खड़ा होके ये ना बोले कि ये कैसा देश है मेरा। ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ, ये कैसा मेरा देश जहाँ मर रहे हैं लोग, ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल, ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल।